साफ साफ तीन सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृहमंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री अब मंत्रिमंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोले, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है, माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं दो बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये तीन सवाल हैं सर।